ज्ञानम ते मेरा ज्ञान चक्षुरोन मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य परमेष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपदामि ददाति सुबलाभ। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता वनगमलम श्री गुरुन् वैष्णवांशरूपम सागर जातम सघना रघुनाथान्वितम तम सजीवम सान्द्वैतम सावधूतम परम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदां सहगललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीवल्लभ श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आप लोगों का। कल हम चर्चा कर रहे थे भगवत गीता की भूमिका के अंतर्गत गीता की कितनी महिमा है। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता। वास्तव में देखा जाए ना तो हम लोगों की समस्या मृत्यु नहीं है, हम लोगों की समस्या पुनर्जन्म है। लोग मृत्यु से घबराते हैं। मृत्यु तो देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज है। अगर समाज में मृत्यु को हटा दिया जाए तो जो आपस में प्रेम सौहार्द आदि बना हुआ है वो सब नष्ट हो जाएगा। पूर्व में इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने प्राय ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए कि हम मरेंगे नहीं, न मरने जैसे कठोर वरदान प्राप्त किए, उन लोगों के अंदर राक्षस वृत्ति जागृत। उन्होंने दूसरों को मारा ही बस, इसलिए संसार में मृत्यु से भागना ये कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी वाली बात नहीं है, बल्कि मृत्यु का स्मरण करना, और मृत्यु का जब व्यक्ति स्मरण करता है तो उससे समाज में थोड़ा डर बना रहता है। अगर किसी को पता है मैं मरूंगा नहीं तो खूब आतंक मचाएगा कि नहीं मचाएगा। किसी को ये पता चल गया मैं मरूंगा नहीं तो बैठ करके हिमांशु गोस्वामी जी की तरह भजन करेगा, वो कोई भजन नहीं करेगा, सब भक्ति भक्ति माला फल। अरे हम तो कभी मरेंगे ही नहीं। कई सारे लोग तो बुजुर्गों की सेवा इसलिए करते हैं थोड़े समय में मर जाएंगे बेचारे, है कि नहीं? कुछ लोग तो बूढ़े आदमी से शादी इसलिए करते हैं कि कोई नहीं जल्दी मर जाएगा, पैसा अपना हो जाएगा। प्राय लोग मृत्यु को लेकर के दूसरों को लेकर के तो जागरूक हैं कि ये तो मरने वाले हैं, खुद को लेके इतने जागरूक ना हो लेकिन दूसरों को लेके जागरूक। इसलिए जो सौहार्द समाज में देखा जा रहा है, जो प्रेम देखा जा रहा है,
वो मृत्यु के कारण लोगों के स्वार्थ पूरे हो रहे हैं, इसलिए लोग स्वार्थ बना करके रखते हैं। वैसे भी भक्तों के लिए भी मृत्यु कोई चिंता का विषय नहीं है। भक्त लोग कहते हैं, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूर्ण परमानंद। कब मरेंगे हम और कब भगवान को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए समस्या मृत्यु की नहीं है, समस्या पुनर्जन्म की है। हाँ, ये शरीर में देर से मृत्यु आए तो हम थोड़ा ज्यादा भजन कर सकते हैं, ज्यादा भक्ति करने का एक सुअवसर है हमारे पास। लेकिन मृत्यु को आखिर में टाला तो नहीं जा सकता, मृत्यु तो हमें प्राप्त करनी पड़ेगी। टाला जा सकता है मृत्यु को यदि हम पुनर्जन्म को भी टाल दें, क्योंकि गीता में ही ये वाक्य है। क्या वाक्य है? भगवान ने कहा है गीता में, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। कौन सा श्लोक है? क्या? बढ़िया तुक्का मार। ऑनलाइन वालों में किसी को याद है जन्म मृत्यु को लेकर के? आप तक, वहां तक तो कोई पहुंचने वाला है नहीं, डांट फटकार करके भी। भवनाम जन्मनाम शांत बैठ जा, गीता करनी है वो, चेतु दर्पण मार्जन चेतन माम, कुछ भी बोलता है। किसी को भी याद नहीं जन्म मृत्यु जरा व्याधि? देखो कितना भारी श्लोक बोल रहा हो। ऋषिकेश प्रभु बताइए, राजकिशोर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अध्याय दो का है श्लोक संख्या तो एग्जैक्ट नहीं है, अध्याय दो का है, जाते श्री ध्रुव मृत्यु गीता, क्या श्लोक है? श्लोक बताइए। हाँ, जाते श्री ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप ध्यान से थोड़ा गीता को आप पढ़ते हैं, इसका मतलब जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु मृतस्य च। जिसका जन्म है दूसरे अध्याय में है, ढूंढ लेना। समझ में आया गोस्वामी जी आपको? जन्म कर्म चमे दिव्यम, कुछ भी बोलते हो। जातस्य ही ध्रुवम, हाँ, मृत्यु। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, उसका जन्म भी निश्चित है जिसकी मृत्यु है। फिर बचेंगे कहाँ से? जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, मरेंगे तो जन्म निश्चित है, तो बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय है कि एक होती मृत्यु सिर पर चढ़ के आती है, और एक होता है कि हम मृत्यु के सिर पर चढ़ के जाते हैं। जैसे बड़े सुंदर शब्द हैं, मृत्यु बोले हाँ काल को जीत लेता है भक्त। जो घट अंतर हरि सुमिरे, हरि सुमिरे, हरि सुमिरे,
ताको काल रूठे कहा करी है। उसको काल रूठ करके क्या कर सकता है? काल किसी भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो निरंतर घट के अंतर हृदय के अंदर हरि का स्मरण करता है, भगवान का स्मरण करता है, बोले वो काल को जीत ले। काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मृत्यु जीत लिए। मृत्यु जैसा व्यवहार तो होगा, अभी जैसे संसार में हम लोग भक्ति कर रहे हैं और मंदिर में जीवन जी रहे हैं, तो क्या मंदिर में हम कपड़े नहीं पहनते? क्या मंदिर में हम खाते नहीं है? क्या मंदिर में हम अन्य व्यवस्थाएं नहीं देखते, कोई आता है जाता है, सब चीजें नहीं करते क्या? भोजन पानी रसोई में बनाते हैं कि नहीं बनाते? सब कुछ करते हैं। जैसा एक संसार में व्यक्ति करता है वैसा ही हम लोग भी करते हैं, लेकिन संसार में मैं मेरा तू तेरा के साथ करते हैं, और यहाँ ना मैं मेरा है ना तू तेरा है। जब मैं मेरा ही नहीं तो तू तेरा कहाँ से आएगा? यहाँ सब कृष्ण के लिए करते हैं, गुरु जी के लिए करता, भक्तों के लिए करते हैं, उनके दिशा निर्देशन में करते, अपनी मन मर्जी से नहीं करते। तो बाहर से दिखने में उनके कार्य और हमारे कार्य एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। हम यज्ञार्थात भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो यज्ञ हो जाता है। हमारा खाना पीना नहाना धोना सब व्यवस्थाएं सब यज्ञ बन जाती है। ये बहुत समझने की बात है, प्राय हम लोग समझ नहीं पाते इन बातों को। हमको लगता है भगवान का आश्रय में भी संसारी जीवन जी रहे हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। संसारी व्यक्ति को ऊपर से दिखने में तो सेम व्यवहार लगेगा, उसको व्यवहार में तो कोई अंतर है ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि संसार में तब मुंह से रोटी खाते थे अभी कान से रोटी खाने लग गए, ऐसा नहीं है। संसार में पकी पकाई खाते थे या कच्ची खा रहे हैं, ऐसा नहीं। सब व्यवहार बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन अंतर कहाँ जाता है? बोले अंतर मैं मेरा और तू तेरा कहा जाता है, यज्ञ रूपी कर्म हो जाते हैं। ऐसे ही ऊपर से देखने पर एक भक्त की मृत्यु और संसारी की मृत्यु एक जैसी दिखाई देगी। ऊपर से देखने पर जैसे जीवन एक जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा ही मृत्यु भी एक जैसी दिखाई देगी, लेकिन एक जैसी होती नहीं। लेकिन प्राय भक्तों को संसार संसारी दृष्टि से ही देखता है। अभी जैसे देवासुर संग्राम चल रहा था और असुर लोग बड़े शक्तिशाली हो गए थे, तो सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को निवेदन करते हैं क्या करें, बहुत बड़ी समस्या आ गई, आसुरी शक्तियां बहुत बढ़ गई। समय समय पर ऐसा होता है, कई बार तो सृष्टि से पहले ही असुर लोग बढ़ जाते हैं, सृष्टि से पहले ही मधु और कैटभ, सृष्टि हुई नहीं है, प्रलय की अगाध जलराशि है, चारों तरफ अंधकार है, तो वहां मधु कैटभ पैदा हो गए, सृष्टि से पहले राक्षस पैदा। और भगवान शयन कर रहे हैं क्षीर सागर में, और उन्होंने भगवान से टक्कर ले लिया सीधा जाकर, हे विष्णु सो रहा है हमसे युद्ध लड़। तो भगवान विष्णु ने देखा अच्छा ठीक है लड़ता हूं, भगवान लड़ने लग गए। सैकड़ों वर्षों तक तो युद्ध चलता रहा, एक थक जाता तो दम लेने चला जाता, दूसरा लड़ता फिर, और ये लोग दो थे, भगवान अकेले थे, भगवान लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। आखिर में माता भगवती प्रकट हुई भगवती इच्छा से, तो माता भगवती सोच रही है अब मेरे को भगवान की सहायता करनी चाहिए, ये दुष्ट ऐसे तो मरेंगे नहीं।
तो माता भगवती उनकी बुद्धि में प्रवेश कर गई। ये भगवत इच्छा से हो रहा कार्य। जैसे मूर नामक दैत्य के लिए एकादशी के दिन एकादशी प्रकट हो गई भगवान के हृदय से, वो भगवान की शक्ति है। संसार में ऐसा लग रहा है कि एकादशी ने भगवान विष्णु की सहायता की, ऐसा नहीं है, वो भगवत इच्छा से हो रहा, वो अलग थोड़ी है। तो माता भगवती ने उनके दिमाग में प्रवेश किया और अहंकारी बना दिया, और वो हंसते हुए बोले, अरे विष्णु वो तो बड़ा वीर है, तुमने सैकड़ों वर्षों से हमारे साथ युद्ध लड़ाई किया है, युद्ध लड़ा है और तुम थकते नहीं हो, हम लोग तो जा जा करके एक आदमी विश्राम कर लेता और तुम थक नहीं रहे हो, हम बहुत प्रसन्न हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगो हमसे। देखो क्या ताकत है। जैसे कई बार मैं भी आप लोगों को बोल देता, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगू, है कुछ नहीं अंदर, कई बार लोग प्रणाम करते तो अंदर से कल्याण वस्तु कृष्णेरमति अस्तु। भागवत में ऐसा कौन थे जिन्होंने आशीर्वाद देते थे ऐसे बार बार, याद आ रहा है किसी को? नहीं, जड़ भरत जी थे, भरत महाराज थे, जड़ भरत तो बाद में बने, वो भरत महाराज थे जो हिरण के बच्चे को ले आए थे और हिरण को बार बार आशीर्वाद देते थे, वत्स कल्याण हो तेरा। तो थोड़ा भागवत पढ़ लिया तो फिर अंदर से ऐसा ही लगता है कल्याण हो जाओ, ऐसे कई बार बोल देते हैं, है अंदर कुछ नहीं, स्थिति मधु कैटअप वाली अपनी, आशीर्वाद दे दिया उन्होंने वरदान मांगने के लिए, विष्णु वरदान मांग लो। तो भगवान विष्णु, अच्छा आप अगर वरदान देना ही चाहते हैं तो आप ये बताइए कि आप मरेंगे कैसे, उपाय बता दीजिए मरने। भगवान विष्णु पूछ रहे मधु कैटभ से कि आप मरने का उपाय बता दीजिए। अब हंसने लग गए दोनों। बोले, अरे तुम वीर तो हो ही, साथ में होशियार भी बहुत हो, बुद्धिमान भी बहुत हो, अब है तो राक्षस, लेकिन माता भगवती अंदर बैठी हुई, दिमाग ऐसा घुमा दिया, अरे हमने तो वचन दिया है वरदान देने का और इन्होंने मरने का उपाय पूछा है, तो मना कैसे कर सकते हैं? क्या क्या लीलाएं होती है आध्यात्मिक जगत में भी, भौतिक जगत में भी ऐसा होता है, संसारी व्यक्ति को ऊपर चढ़ा दो बस, बोले हम तो वीर हैं, हमारे साथ लड़े हैं, तुमने हमें प्रसन्न किया युद्ध की लड़ाई में, हम अपने वचन को ऐसे नहीं गवाएंगे, अवश्य आपको मरने का उपाय बताएं। बोले हम ऐसी जगह मर सकते हैं जहां जहां कोई कोई ना हो, इवन ना जल हो ना थल हो ना आकाश हो, ऐसी जगह हम मर सकते हैं। तब भगवान ने क्या लीला किया, अपना विस्तार किया और दोनों की खोपड़ी को जंगाओं के बीच में फंसा लिया। नीचे तो समुद्री समुद्र था प्रलय का, और फिर खोपड़ी को बसा करके फंसा करके भगवान, देखो ना यहाँ जल है न थल है न आकाश, दोनों पैरों में ही दबा करके मार डाला। ये राक्षसी वृत्ति कैसी कैसी होती है, सृष्टि से पहले ही आ जाती है। क्यों, उनको पता ही नहीं था कि, उनको लग रहा था हम तो मरेंगे ही नहीं, इसलिए जो मृत्यु है ना, ये जब आदमी वरदान पा लेता है तो सोचता है कि अब तो आतंक मचाना चाहिए, लेकिन मृत्यु अवश्यम भावी, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु निश्चित है। हम बात बता रहे थे देवासुर संग्राम की, देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ, वो ब्रह्मा जी के पास गए, असुरी शक्तियां कैसे शक्तिशाली हो जाती हैं, सृष्टि से पहले भी हो जाती हैं, तो सृष्टि के बीच में तो फिर मेरे जैसे असुरों का तो बोलबाला रहेगा ही रहेगा,
है कि नहीं? बिल्कुल आप असुद्ध। अरे मैं असुरों का सरदार हूं, बताओ तुम क्या है? तुम क्या है बताओ? नरसिंह, लेकिन असुर है या असुर है? राक्षस है, और तेरा लीडर हूं मैं, राक्षसों का सरदार हो गया कि नहीं हो गया बताओ? है कि नहीं? आपका हाँ तुम ही तो बोला अभी, तुम बोला दास अरे जा, अभी मेरा दास बन गया वहां। कुछ भी असुरों का बोलबाला होता है, कई बार असुर लोग भारी पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने बोला भैया एक काम करो, आप धरती लोक पर चले जाओ, देवताओं को कह रहे हैं आप धरती लोक पर चले जाओ, और वहां अयोध्या नरेश महाराज खटवांग हैं, बड़े शक्तिशाली राजा हैं, वो साक्षात भगवान की एक प्रकार से विभूति बन गए आराधना करने के कारण, उनमें अपार शक्ति है, उनसे निवेदन करो वो तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर असुर, असुर क्या है, भक्ति के सामने क्या है? चले गए, जाकर के निवेदन किया, खटवांग महाराज ने युद्ध लड़ा, युद्ध में विजयी हो गए। जब युद्ध में विजयी हो गए तो देवता लोग प्रसन्न होकर के कहते हैं, महाराज हे राजन, आप हमसे कोई वरदान मांग लो, जो इच्छा हो सो मांग। खटवांग महाराज का उत्तर कैसा अद्भुत था। खटवांग महाराज कहते हैं, हे देवगणों, ना तो मुझे युद्ध का पारिश्रमिक चाहिए, मैंने जो परिश्रम किया है दिहाड़ी एक प्रकार से, ये आपने काम किया तो कुछ दिहाड़ी तो बनती है ना, बोले ना तो मुझे पारिश्रमिक चाहिए और ना ही मुझे पारितोषिक चाहिए, मतलब इनाम भी नहीं चाहिए, पारितोष मतलब इनाम, मैं आपसे क्या मांगूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप देवता लोग हैं, आपके पास सामर्थ्य है, तो आप मेरे को बस इतना बता दो कि मेरी मृत्यु में कितना समय बचा है। इतना सुनकर के देवता बोले, राजन यहां से धरती लोक पर जाने के पश्चात आपके पास मात्र 2 घड़ी का समय है। कितना? 2 घड़ी। 2 घड़ी के बाद आपको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। 2 घड़ी मतलब 1 घड़ी में करीब 24 मिनट होते हैं, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट, आप 48 मिनट जिएंगे, 24 मिनट 1 घड़ी, 2 घड़ी मतलब 48, 48 मिनट का समय आपके पास, बस बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हाय तो वा नहीं, कोई घबराहट नहीं, तुरंत अपने मन को खींच करके और भगवान में लीन कर और भगवत धाम को चले 48 मिनट के स्मरण से। कहां देवताओं को विजय दिलाया, लेकिन देवताओं को विजय दिलाने के पश्चात भी अहंकार नहीं, और चिंतन में क्या है, मेरी मृत्यु आ रही है भाई, जब मृत्यु आ रही है यही चिंतन नहीं है किसी को, तो पुनर्जन्म तो बाद में हुआ ना। पुनर्जन्म की चिंता आदमी को होगी कि भाई मैं कुत्ता बनूंगा, बनूंगा गधा, बनूंगा सुअर, बनूंगा हाथी, बनूंगा पेड़, बनूंगा पहाड़, बनूंगा चींटी, बनूंगा और मच्छर बनूंगा, फिर मेरे नाम से डायलॉग मूवी में दिए जाएंगे, एक मच्छर आदमी को देश बना देता है, क्या क्या बनूंगा मैं, वो चिंता तो तब सताई जब पहले मृत्यु को तो चिंता सताए। जो कि ध्रुव सत्य आंखों से देखते हैं, इसलिए ये श्लोक उस व्यक्ति को ही गृहणी होगा जिसको पुनर्जन्म का थोड़ा हेडक हो, जिसको मृत्यु का हेडक हो। हम सभी संसार में इतना तो सोचते हैं, अरे बच्चे हैं कल जवान होंगे, जवान होंगे
तो भाई नौकरी चाकरी होनी चाहिए, पैसा धेला होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, तभी तो जवानी में कोई लड़की देगा, फिर हम ब्याह कर पाएंगे। फिर सोचते हैं अरे जवान तो हो गए लेकिन कल बूढ़े होंगे तो बुढ़ापे की लकड़ी भी चाहिए। बुढ़ापे की लकड़ी में क्या, बच्चे संतान आदि चाहिए, परिवार आदि चाहिए। क्या कोई ऐसा सोचता है कि हम कल मरेंगे भी और खोपड़ी में फिर डंडा मारने वाला चाहिए चिता के समय में, कोई ऐसा सोचता है? किसी का दिमाग काम नहीं करता है। सब चीजें सोच के चलते हैं लेकिन ये नहीं सोच पाते कि कभी मरेंगे भी। जब यही नहीं सोच रहे तो पुनर्जन्म कभी होगा और 14 लाख योनियों में जाएंगे, किसको चिंता है। बहुत दुर्लभ लोग हैं, उसमें भी केवल मनुष्य जाति ही हार्डली इस बात को समझ सकती, बाकी 84 लाख योनियों में कौन समझ सकता है, किसी को समझ में नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं ये बात समझेंगे और कोई समझाए तो बात बैठ सकती। समझाएगा कौन? बोले गीता समझाएगी, और कोई नहीं समझाएगा। कौन समझाएगा? गीता समझाएगी। इसलिए यहाँ कहा जब गीता समझाएगी, समझ में आ जाएगा तो पुनर्जन्म से अपने आप ही बच जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं सर्व उपनिषदो गावो, हाँ गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये ऐसा गंगा जल है कि भाई पुनर्जन्म नहीं होगा, सब झंझट समाप्त हो जाएंगे। परम आवश्यकता कल हम यहाँ तक चर्चा कर चुके थे कि भाई दूध पीना चाहिए। आजकल लोग चाय पर बहुत बल देते हैं जबकि कोरी मूर्खता है। हमारे पिताजी कहते थे दूध पीने के फायदे कितने बढ़िया हैं, चाय बनाओ तो लोग पानी में चाय पत्ती डालते फिर थोड़ा सा दूध डालते हैं, चाय बन के तैयार हो जाती। आप चाय पीते नहीं तो दूसरा व्यक्ति फिर दूध ला के देगा ना, तो दूध में थोड़ी पानी डाल करके लेके आएगा या चाय पत्ती डालकर, दूध तो लाएगा ना, तो मिक्सिंग कम हो गई ना एक प्रकार से, तो दूध पीने को मिलेगा पहली बात, पहला फायदा। दूसरा फायदा, चाय के बराबर दूध नहीं दिया जाता, दूध का कल्चर पुराने समय से बड़ा गिलास में दिया जाता है, चाय कप में दी जाती, तो बोले मात्रा ज्यादा मिलती। हम 2 4 दिन के लिए कहीं गए थे तो जहां भी जाते थे हमने कहा चाय तो लेते हैं तो दूध लेंगे, बोले ले लेंगे अभी क्या करें फिर। और चाय वाले छोटे से कप में चुस्किया ले लेकर के बेचारे, और हम बढ़िया दूध पीते थे, और लेंगे ले लेंगे और क्या है, इतना बढ़िया है। फायदा है कि नुकसान? इतना बढ़िया फायदा, और आदमी सोचते चाय नहीं पीते बेचारे, कोई बात नहीं दया कर देते इनको दूध पिलाते। इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है दूसरा, अरे चाय नहीं पीते, चाय जैसी अद्भुत चीज को इन्होंने छोड़ रखा है, तो कितने संयमी हैं। ये पता नहीं कि चाय में संयम ज्यादा करना पड़ रहा है एक कप में या एक गिलास में संयम ज्यादा करना पड़ रहा है, देखा जाए तो एक गिलास पीने को मिल रहा है तो भोग दूध में हो रहा है, चाय में क्या भोग है। लेकिन ऊपर से ये भी क्रेडिट मिल जाता भाई संयमी है। हम फिर भी बोल देते अपनी, अरे हमारी तो चला ही कि हमारी संस्था सारे संसार में नहीं चाय पीती, ओ और ज्यादा क्रेडिट मिल जाता है। चाय आदमी को बर्बाद करती है वास्तव में। एक अंग्रेज जो चाय पाय पीते थे, पहले इन लोगों ने कलकत्ता पे राज किया, वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को फैलाया इन लोगों ने, तो वहां लेबर लोग काम करते थे। एक व्यक्ति भारतीय 1 क्विंटल का बोरा सिर पर रख करके और तीसरी मंजिल पर चढ़ के चला गया। तो वहां एक अंग्रेज था, शासक के रूप में बैठा हुआ था ऑफिस में। अंग्रेज पूछता है बाबा आपकी एज क्या है, आयु क्या है? तो वो कहते हैं 80 में 6 ऊपर, 80 में 6 ऊपर, मतलब 86 ईयर का आदमी 1 क्विंटल वजन को 3 मंजिल ऊपर लेकर के चला गया। उसने पूछा आप खाते क्या हो? बोले कुछ नहीं, गाय का दूध पीते, गाय का घी खाते।
और उसी गाय के दूध घी के साथ रोटी खा लेते सुबह शाम, बस यही खाता। तब उसे समझ आया कि गाय के दूध की ताकत क्या है। लेकिन गाय का दूध सेवा करने से गौ माता की जब प्राप्त होता है तब वो लगता है, सेवा नहीं है तो फिर नहीं प्राप्त उस तरह का। इसलिए कल हमने सीखा था सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। गोपाल नंदन कैसे हैं, गायों की कैसी प्रेम से पालन करते हैं, कैसी सेवा करते हैं, कि जिनके लिए गायें अपने बछड़ों को भूल जाती हैं, उनको नहीं परवाह होती। गायें जा नहीं रही हैं चरने के लिए जब तक कि गोपाल नहीं आते। भूख किसको प्यारी नहीं होती, भूख के लिए कौन व्यक्ति नहीं तड़पता, सब भागते हैं खाने के लिए, लेकिन गायें नहीं जा रही हैं और इधर यशोदा मैया परमिशन नहीं दे रही है, लाला तू नहीं जाएगा। अब बछड़े वही जिनको बचपन में भगवान ने चराया, बछड़े बड़े हो गए, और जब बछड़े बड़े हो गए तो अब तो गायों के साथ जाएंगे, और जब बछड़े बड़े हो गए गायों के साथ जाएंगे तो अब माँ गायों को चराने की परमिशन नहीं दे रही। अभी तक भगवान वत्सपाल थे 5 साल की आयु तक, अभी 6वीं साल प्रवेश कर रहे हैं, माता परमिशन नहीं दे रही है, और बछड़े सोच रहे हैं गाय बन गए हम तो क्या हुआ, 5 साल के हो गए ना वो, एक प्रकार से कोई 3 साल का हो गया, कोई 2 साल का हो गया, और बछड़े बड़े बड़े हो गए। बछड़ों को बोला अब इनको अलग अलग क्या लेके जाना, एक काम करो गायों के साथ ही लेके चलते, नहीं तो पहले बछड़ों को अलग लेके जाता जाया जाता है, गायों को अलग लेके जाया जाता है। बछड़े लोगों को थोड़ी देर नजदीक में घुमा करके वापस ले आते, गायों को दूर लेकर के जाते। तो उन बछड़ों का भगवान से इतना प्रेम हो गया कि अब बछड़े अपनी माताओं के साथ जाने की छूट मिल रही है लेकिन नहीं जा रहे हैं। बोले गोपाल आएंगे तो ही जाएंगे। बोले जब हम वत्स थे तब वत्सपाल चराते थे, अब हम गाय बन गए एक प्रकार से, या बैल बन गए तो गोवंश में आ गए, तो गोपाल आएंगे, उनको भी तो गोपाल बनना पड़ेगा। माता ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, तू बिल्कुल नहीं जाएगा, तेरा कितना बड़ा रिस्क है तुम नहीं जानता, तेरे ऊपर कैसे कैसे ग्रहों की नजर है, कैसे कैसे राक्षसों की नजर है, और तू इतना चंचल है, चपल है, चालाक है कि तू दाऊ भैया को भी धोखा दे करके पेड़ पे चढ़ जाएगा, ऊपर से लुढ़क गया टांग फांग टूट जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, यमुना जी में तू कहीं भी जाएगा तेरा कोई ठिकाना नहीं। भगवान मैया को कह रहे, मैया तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, मेरे में कम ताकत थोड़ी है, देखो ना मैंने छोटा सा था तभी मैंने वृक्ष उखाड़ दिए थे, अब वृक्ष से आप मेरे को गिरने की बात कर रहे हो, मैं वृक्षों को गिराता हूँ या वृक्ष मेरे को गिराएंगे, अब मेरे को लेकर के इतना टेंशन मत लो। मैया बोले चुप कर। लेकिन जब देखा कि सब भीड़ दरवाजे पर लगी हुई है और कोई हिलने का नाम नहीं ले रहा है, जब मैया ने देखा जब गाय चरने के लिए नहीं जाएंगे तो फिर हमारा वंश कैसे चलेगा, तब भगवान को कहा जा बेटा अब तेरे को गाय चराने जाना पड़ेगा, मजबूरी करना महात्मा गांधी होता है, मैया को मजबूरी में परमिशन देनी पड़ी भगवान से। तो दोगधा गोपाल नंदना, जो गोपाल भगवान है जिन्होंने गोपाष्टमी पर जबरदस्ती करके गायों को चराने की अनुमति ली, और जब चराने लगे, अरे पैरों में जूती तो पहन जा भैया, वहां तेरे को कंकड़ लगेंगे पत्थर, मैया तुम तो कहती हो भैया मैया है, हाँ बेटा मैया है, बोले मैया बिना नंगे पांव जाए और मैं जूती पहन कर के जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान नंगे पांव गए चराने, या तो सबके लिए बनवा दो कन्हैया, नहीं तो फिर मेरे को भी नंगे पांव जा बेटा, तू नंगे पांव परमिशन देनी पड़ेगी। तो ऐसी गाय का दूध तभी प्राप्त हो सकता है जब गौ माता के प्रति ऐसी निष्ठा हो, ऐसी सेवा की भावना हो। तो अगर गीता शास्त्र है और गीता सारे उपनिषदों का सार है, गीता वो दूध है,
तो जो शास्त्र हैं हमें उनका सम्मान करना सीखना पड़ेगा। शास्त्र हम जहां से सीखते हैं, जिस परंपरा से सीखते हैं, उसका सम्मान करना पड़ेगा, उनके प्रति हमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी, तभी हम ऐसे वत्स बन पाएंगे। बछड़ा आए और दूध निकालने वाले कोई सींग मारे, तो दूध निकालने वाला उसको दूध पिलाएगा? बछड़े को जिस समय बोला जाता है दूध पी ले तो दूध पीने के लिए जाना होता है, बोला जाता है चल अब थोड़ा हट जा साइड में तो हटना भी होता है उसको। ऐसे ही हमें सीखना पड़ेगा। इसलिए जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को धो रहे हैं, अर्जुन बछड़े के समान है, सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवदगीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। इसलिए कह रहे हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आदमी कई बार सोचते हैं ना, कई बार मुस्लिम लोग कहते हैं या अन्य लोग कहते हैं, तुम लोगों के यहाँ तो दुनिया भर के देवी देवताओं की लाइन लगी हुई है, किसका भजन करें किसका नहीं करें, बहुत कंफ्यूजन। हमारे यहाँ केवल अल्लाह है, या ऊपर वाला है, या नीली छतरी वाला है, या एक ही है बस, ईश्वर एक है, ऐसे लोग बोलते हैं। बोले हमारे यहाँ भी वही कंसेप्ट है, लेकिन हमारे यहाँ हाँ होलसम वे में चीज बताई जाती, ऐसे बताई जा रही है आज के युग। बोले एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अगर कोई कहे कि मेरे को एक ही बात बताओ, एक ही किताब बताओ, बस ले जाओ भगवत गीता, बात खत्म। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता। और कोई कहे एक ही देव होना चाहिए भाई, दुनिया भर की लाइन नहीं चाहिए अपने। बोले एको देवो देवकी पुत्र, एक ही देव है जो कि देवकी पुत्र देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण। और बोले मंत्र दुनिया भर के तुम्हारे यहाँ पर है? बोले कोई ज्यादा मंत्र नहीं, एको मंत्र तस्य नामानि, यानी उन्हीं भगवान का नाम जिस मंत्र में है उसी मंत्र को जप। कौन सा मंत्र है हमारा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र भगवान को तक को वश में कर लेता है, बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। लेकिन हम इस मंत्र को जपने से थक जाते, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको ताकत मिलती। कैसी विचित्र बात है, हम थक जाते हैं और भक्तों को ताकत मिलती। जैसे बचपन में बच्चे लोग दूध से दूर भागते हैं और बड़े होने पर ताकत अनुभव करते हैं अभ्यास करने से। एक मंत्र जप लो, कर्माप्येकं एकम तस्य देवस्य सेवा, एक ही काम करो बस, कोई दूसरा, तस्य देवस्य सेवा, उन देवता उन भगवान श्री कृष्ण की सेवा बस। आज के युग में लोग एक शास्त्र एक ईश्वर एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, जैसे पूरे एक ही देश का एक टैक्स होना चाहिए, जीएसटी लगा दी, ऐसे अभी आजकल चल रहा है, बोले एक देश का एक चुनाव होना चाहिए, ऐसी एक काम में तो फिर सारी चीजें आ गई। एक ही काम होना चाहिए, बोले क्या काम? एक ही काम होना चाहिए, बोले हाँ तरह तरह की दुनिया में काम, कोई दुकान डाल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, कोई किराना बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बोले एक काम बताओ ना, बोले एक काम में फिर तो बाकी सब काम ठप हो जाएंगे, एक ही काम बता दिया। तो बोले नहीं, काम एक ही है क्या? तस्य देवस्य सेवा। जैसे सबका एक ही काम है इस दुनिया में, जो संसार में लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरनार विंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहुए भव
सिंदूरे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणान बिंद रे शीत आतप बात वरीशन ए दिन यामिनी जागिरे बिफले से बिनु कृपन दुर्जन बिफले से बिनु कृपन दुर्जन चपल सुखलब लागिरे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंद रे अभय चरणार विंद रे। क्या कह रहे? सर्दी हो गर्मी हो शीत आत बाद बरिशन तूफान हो बरसात हो एक दिन यामिनी जागिरे ये दिन आते हैं रात्रि आते हैं इस प्रकार से तुम हर परिस्थिति में करते क्या हो। विफले सेविनु कृपण दुर्जन तुम सेवा तो कर रहे हो लेकिन कृपण और दुर्जनों की कृपण मतलब कंजूस जो स्वार्थी है दुर्जन मतलब जो सज्जन अच्छे लोग नहीं। संसारी जितने भी लोग हैं उनकी सेवा के लिए तो सब व्यक्ति सारे कार्य कर रहा है। कोई फर्नीचर का काम कर रहा है तो कृपणों की सेवा के लिए, कोई प्लम्बिंग का काम कर रहा है तो कृपणों की सेवा के लिए, कोई बिजली का काम कर रहा है तो कृपणों की सेवा के लिए, कोई ड्राइविंग कर रहा है तो कृपणों की सेवा के लिए, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हुआ है तो कृपणों की सेवा के लिए, कोई डेकोरेशन की दुकान खोल के बैठा है तो कंजूसों की सेवा करने के लिए। सारा संसार कृपण दुर्जन के लिए, दुनिया भर के जितने भी काम है लक्ष्य एक ही है विफले सेविनु कृपण दुर्जन कंजूस और दुर्जनों की सेवा करने के लिए। क्यों? चपल सुख लब लाग रहे, थोड़ा सा सुख मिल जाता है बस, हाँ ही हो जाती है थोड़ी सी बस, गप्पे मार लेते हैं बस। मेरे जीजा जी आए थे आज, उन्होंने मेरे को ऐसा बताया ऐसा बताया, आज फूफा जी आए थे, आज मामी के साथ मुलाकात हुई, आज ननद के साथ मुलाकात हुई, आज भैया जी आए थे, आज पतिदेव आए थे, आज दादाजी ने ये बोला, आज मेरा पोता आया था कैसा खिलखिला के बात कर रहा था, आज मेरी पोती आई थी वो तो अंग्रेजी में ही बात कर रही थी, वो तो मेरे को ही चिढ़ा रही थी अंग्रेजी बोल बोल करके, मम दादी को पता ही नहीं मेरे को अंग्रेजी आती दादी को आती, और आदमी कैसा खिलखिला करके खुश होता, ओहो मेरे बच्चे अंग्रेज बन गए बस। इसको कहते हैं दीपावली पे बच्चे आ जाते हैं थोड़ा छुट्टी काट के चले जाते हैं बस, दादी दादा माता पिता परिवारी जन सब फूल के लट्टू हो जाते हैं, और फिर वही गधा मजूरी उधर उस अंग्रेजी सीखने जाना पड़ेगा फिर से स्कूल में और वही दादी का वही अकेला जीवन व्यतीत करना पड़ेगा घर पे गाँव में, थोड़ा सा चपल सुख मिला और सब चलते बने अपने अपने घरों में। इसको कहते चपल सुख लगता है, छोटे से सुख के लिए तुमने अपने जीवन में कंजूसों की सेवा किया। मूर्ख अगर तेरे को सेवा करनी है तो किसी भी काम से कृष्ण की सेवा कर सकते हो, इसलिए एक ही काम बताया, एक ही काम मतलब खाली प्लम्बिंग का ही काम नहीं, बोले दुनिया के जितने भी काम हैं सब प्रवेश कर जाए कृष्ण के लिए। जैसे कंजूसों के लिए हमने सारे कामों को सेवा में झोंक दिया है, ऐसे ही हमने कृष्ण के लिए सब काम करना सीख जाए, कृष्ण के भक्तों के लिए ही करना सीख जाए तो और ज्यादा बेस्ट है, और ज्यादा बेस्ट है। लेकिन वचन कुछ और होते हैं, हृदय कुछ और कहता है। कल परसों सीमेंट की टोकर डाल रहे थे ना, मशीन चल रही थी, तो एक भक्त है प्रभु जी मेरे मैं सेवक, आप हट जाइए मैं सेवा करूंगा। अब ऐसा बोलना पड़ता है क्या किसी को कि आप हट जाइए मैं सेवा करूंगा? सेवा करने वाला व्यक्ति तो अपने आप ही टोकर उठाता और लग जाता है, पूछेगा क्या कोई व्यक्ति हट जाइए आप मैं सेवा करूंगा?
जैसे हम जब देहरादून आए थे तो दो चार भक्तों ने हमें कहा, प्रभु जी कोई चीज की जरूरत हो तो बता देना, मतलब जैसे हम अपने घर से ही सब सामान उठा के लाए हों, जैसे कोई चीज की जरूरत ही नहीं, सब भरमार है हमारे पास। कैसे कैसे लोग बोलते हैं, ऐसे मियाँ मिट्ठू होते हैं। और पूरा सालों साल निकल गए, आज तक उन्होंने कभी ऐसा फील ही नहीं किया कि इनको कोई जरूरत है। और कैसे बातें करते हैं, सब कृपण लोग हैं, कंजूस लोग हैं। शास्त्र कहता है कृपण कस्य ना प्रिय, कंजूस किसी को प्यारा नहीं होता है। हम लोगों ने पहले पढ़ा था, एक चैप्टर था कृपण कस्य ना प्रिय, कंजूस किसी को प्यारा नहीं। उसमें स्टोरी थी लखीमल और करोड़ीमल की। लखीमल जो लखपति बन गया था, करोड़ीमल जो करोड़पति बन गया था, तो लखीमल सोचा कि करोड़ीमल से मिला जाए, भाई वो करोड़पति कैसे बनाया, कुछ टिप्स लिए जाए। तो करोड़पति के पास मिलने के लिए करोड़ीमल के पास, करोड़ीमल उसका नाम सुन करके बड़ा खुश हो गया। आइए आइए आइए, आपके स्वागत के लिए मैं क्या करूंगा, एक काम करते हैं आपके लिए मिठाई लेकर के आते हैं। अरे फिर से, अरे रहने दे मिठाई मतलब मिठाइयों में सब मिलावट आ रही है आजकल। मिठाई आखिर में बनती कैसे ये पता करते, बोले मिठाई तो भाई खोए से बनती है, खोआ लाओ फिर खोआ खाएंगे, शुद्ध वस्तु खोआ। बोला नहीं नहीं रहने दे, खोआ में भी मिलावट हो सकती है, एक काम करो दूध लाओ, प्योर चीज दूध है। बोला अरे अरे दूध भी क्यों, दूध बना कहाँ से। बोले जो गाय है वो पानी पीती है, गंगा जल पीती है, इसलिए पानी की तरलता दूध में आ गई। एक काम करो पास में गंगा जी पर शुद्ध गंगा जल ग्रहण करते, लेकर के गए और उसको गंगा जल पिला दिया, बेचारे को वही स्वागत हो गया उसका। तब वो समझ गया कि भैया स्वागत में फूटी कौड़ी भी खर्च मत करो, किसी को भी घुमा फिरा करके फोकट का पानी पिला दो, बस इतना कंजूसी पर जब आ जाओगे तो फिर लखीमल से करोड़ी मल बन जाओगे। टिप्स समझ में आ गई उसको। बस तरीका होना चाहिए सर्व करने का। एक हमारे प्रभु जी थे, वो कोई आता था, आइए 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 शीतल जल महाप्रसाद ग्रहण कीजिए। जल को भी कहते थे इतना, मंदिर में कई बार उनको कुछ इतना छूट दी नहीं जाते थे, बेचारे बाहर पीआर का काम करते थे, अचानक से घूम फिर करके दोपहर में आते थे, दरवाजे बंद रहते थे मंदिर के। अब क्या करें क्या करें, उनका क्लाइंट है वो, इस प्रकार से आकर के कहीं से तुलसी पत्ता लेकर के पानी में गिलास में डालते थे, ऐसे ही मेरा भगवान का चढ़ा हुआ है तुलसी पत्ता लेकर के गिलास में डाल, ये लीजिए शीतल जल महाप्रसाद ग्रहण कीजिए ठाकुर जी का, और बस उसी महाप्रसाद से काम हो जाता था। ठीक है ये बुद्धि लगाना ऐसी, लेकिन करोड़ी मल बनने के लिए सारा संसार सेवा में लगा हुआ है, इसलिए यहाँ करे कर्मा भी एकम तस्य देवस्य सेवा। रोज पूछना चाहिए अपने जीवन से, मैं जो कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, माँ के लिए कर रहा हूँ, बाप के लिए कर रहा हूँ, दादी के लिए कर रहा हूँ, दादा के लिए कर रहा हूँ, पत्नी के लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, पति के लिए कर रहा हूँ, गाँव के लिए कर रहा हूँ, देश के लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, देवताओं के लिए, किसी के लिए भी नहीं कर सकते। तोलना चाहिए अपने हर कार्य को, मेरा ये कार्य कहाँ जा रहा है, क्या ये कृष्ण के लिए है, कृष्ण के लिए है तो बस बात कर। इसलिए कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। रूपा जी ने लिखा आज के युग में लोग एक शास्त्र एक ईश्वर एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत इच्छुक है, अतएव एकम शास्त्रम देव के पुत्र की, तो केवल एक शास्त्र भगवद्गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ऐसा कुछ नहीं, सारे विश्व के लोगों के लिए। देखो मोदी जी ने गीता गिफ्ट की थी जापान के प्रेसिडेंट, कहा था इससे बढ़कर मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है और आपके पास इससे बढ़कर कुछ लेने के लिए भी नहीं, ये राजा का काम है। आजकल लोगों को राजाओं को ही शिक्षा नहीं है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य। एक बार को प्रजा को शिक्षा मिले ना मिले, लेकिन राजा को शिक्षा मिलना बहुत जरूरी। ये राज धर्म की शिक्षा पितामह भीष्म ने सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर को दी थी, राज धर्म की शिक्षा देना बहुत जरूरी।
क्योंकि जैसे मान लो एक आध बोगी अगर उतर जाए चलते चलते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, लेकिन अगर इंजन ही टकरा जाए तो क्या बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए जो लीडर्स हैं ना उनको शिक्षा की बहुत जरूरत होती है, या कोई लीडर बनना चाहता है उसको शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि हमें ऐसे लीडर नहीं मिल पाए जो ऐसी बात कह पाते कि इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं, इतना तो कम से कम खोपड़ी में घुस जाए कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। एको मंत्र तस्य नामानि यानी, और एक मंत्र एक प्रार्थना उनके नाम का कीर्तन। कीर्तन का बहुत महिमा है। तीन चीजें हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये तीन अंग हैं। लेकिन इसमें सबसे श्रेष्ठ महाप्रभु ने कीर्तन बताया। जैसे ही कीर्तन करेंगे तो श्रवण भी होगा साथ में कि नहीं, और जैसे ही कीर्तन करेंगे तो अंदर से कुछ स्मृति उसी से संबंधित आएगी कि नहीं। श्रवण करेंगे तो अकेला श्रवण का फायदा होगा, स्मरण करेंगे तो अकेला स्मरण का फायदा होगा, लेकिन कीर्तन करेंगे तो श्रवण का भी फायदा होगा, कीर्तन का भी फायदा होगा, स्मरण का भी फायदा होगा। तीन गुना फायदा मिलता है कीर्तन करने से, तीन गुना फायदा मिलता है। इसलिए महाप्रभु ने कहा कृष्ण कीर्तनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कृष्ण कीर्तन सबसे ज्यादा लाभकारी। इसलिए यहाँ का उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कर्मापेक्षं तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा बस। ये शिक्षा हमें गुरु परंपरा से प्राप्त होती है, इसलिए परंपरा आखिरी में यहाँ पर पहले ही बता दी गई है। जैसे आप पंखे पंखे चलाते हो तो सॉकेट में चलाते हो ना, या बटन का कनेक्शन या कोई चीज इंस्ट्रूमेंट हम लेकर के आते हैं तो सॉकेट में उसका प्लग इन करते हैं तब वो वस्तु चलती है। हम सॉकेट देख करके खुश होते हैं ना, चलो सॉकेट मिल गई भाई। कई बार कोई चीज लेकर के आए भाई, जैसे सुबह ग्राइंडर का काम करना था उसने, वेल्डर वाले व्यक्ति ने, तो ऊपर वो तार लेके ढूंढ रहा है, प्रभु जी कहाँ से लूं बिजली, तो एक सॉकेट दिखाई दिया हमें हॉल में, नहीं यहाँ से ले ले लगा ले। लेकिन वो सॉकेट थोड़ी सी उखड़ी पड़ी थी, तो मेरे को अंदर से धड़कन हो रही थी, पता नहीं इसमें बिजली होगी भी कि नहीं। बहुत सारे लोग तो सॉकेट लगा सब सॉकेट में लगा दिया, बस हमारा काम खत्म। सॉकेट भी ढूंढना है, ये भी चेक करना है उसमें बिजली भी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जो गुरु होते हैं वो सॉकेट की तरह होते हैं, जिनसे कनेक्ट होते ही हम चलने लग जाते हैं। और जब तक सॉकेट नहीं है और हमने प्लग इन नहीं किया तब तक तो फिर भूल जाओ, सब इंस्ट्रूमेंट धरे के धरे रह जाएंगे, चाहे कितना भी कीमती है। सॉकेट में लगा एकदम चलाए, लेकिन जिस सॉकेट में बिजली नहीं आ रही हो उस सॉकेट का क्या लाभ। अर्थात भक्ति में अगर कोई चल नहीं पा रहा है समझ लो उसके गुरु में बिजली नहीं है। कई सारे ऐसे गुरु हुए हैं मार्केट में जिनके शिष्य लोग भक्ति में चल ही नहीं पाते, तो है तो वो सॉकेट की तरह मार्केट में जाने जा रहे हैं लेकिन उनमें बिजली। और सॉकेट अपने आप में बिजली बनाती है क्या? सॉकेट भी क्या करती है, कहीं से बिजली लेती है ना, ट्रांसफार्मर से बिजली लेती है, फिर ट्रांसफार्मर से आगे ऊपर लाइन जाती है जो स्टेप अप बिजली को स्टेप डाउन करके देती है, ट्रांसफार्मर का काम होता है। एक सॉकेट गुरु है और ट्रांसफार्मर उस समय के आचार्य हैं जो उस समय की परिस्थिति के अनुसार स्टेप अप बिजली जो ऊपर से आ रही थी उसे हमारे लिए अनुकूल बनाने के लिए स्टेप डाउन करके हमारी भाषा में प्रस्तुत करते। जैसे हमारे गुरुदेव हैं ये क्या हैं, सॉकेट की तरह हैं, और प्रभुपाद जी क्या हैं,
ट्रांसफॉर्मर की तरह हैं, वर्तमान आचार्य हैं। द्रौपद कौन है? ट्रांसफॉर्मर आचार्य। आचार्य सभी नहीं होते, आगे चल करके और भी आचार्य बनते हैं, लेकिन हमारे लिए कौन आचार्य हैं? द्रौपद जी आचार्य। अब वो आचार्य भी ट्रांसफॉर्मर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर से भी तो कहीं से बिजली आ रही होगी ना। तो बिजली आ रही है, कहाँ से आ रही है? बोले दूसरे लट्ठे से आ रही है, वहां दूसरा लट्ठा है, उससे भी, उसमें कहाँ से आई? बोले उससे, और पहले वाले पोल से आ रही है, वहां कहाँ से आई? बोले उससे पहले वाले पोल से आ रही है। इस प्रकार से वो बिजली इवेंचुअली कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? कहीं पावर हाउस बना हुआ है जहां क्रिएट हो रही है। इस भक्ति की शिक्षा कहाँ से मिल रही? बोले भगवान श्री कृष्ण जो पावर हाउस है, और वहां से पोल लग लग के, लग लग करके वहां से वायर खींचे हुए हैं, और वायर में वो करंट फ्लो हो रहा है। वो वायर क्या चीज है भक्ति मार्ग में? बोले वो शास्त्र है। वायर क्या है? एक हाथ से दूसरे हाथ में ऐसे दिया जा रहा है करंट। आप संभालिए, आप संभालिए। ऐसे वो शास्त्र हम तक पहुंच रहा है, फिर ट्रांसफॉर्मर तक पहुंचा, और फिर सॉकेट में आया, और प्लग इन करके हम लोग पंखा चला रहे हैं, हम लोग अपने दुखों को मिटाने के लिए हीटर चला रहे हैं, हम लोग फ्रिज चला रहे हैं, सब काम उन्हीं सॉकेट से हो जाते हैं। इसलिए गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया, बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, गुरु गुरु मिलने मिलने से से झगड़ा झगड़ा खत्म खत्म हो हो गया। गया। बाजीगर क्या करता है? ऐसे चादर बिछाता है और इंसान की खोपड़ी रखता है, वो मरे हुए इंसान की, पहले आप लोगों ने ऐसे देखे हो तो, और ऐसे चादर में से सब चीजें निकाल देता है वो। मैंने देखा गांव में, उसने शादी हो जाए एक व्यक्ति का, एक लड़की का, इतने बर्तन निकाल दिए उसने चद्दर में से, आंखों के सामने देखा, और उसको देख करके लोगों ने 10 10 20 20 रुपया फेंकना चालू कर दिया। उसने इकट्ठे किए, चद्दर फेंकी, सारे बर्तन उसमें घुसा दिए, और चद्दर झाड़ के फोल्ड करके चला गया। मैं सोचा यार, इसने इतने कीमती कीमती ये बर्तन निकाल दिए, इन्हीं को बेच करके कितना पैसा कमा लेता। लेकिन बोले हम बेच नहीं सकते, दिखा नहीं कहीं लिए काबिल है, बस दिखा ही सकते, बस इसलिए तो मोहताज है। तो बाजीगर वाला खेल क्या है? हम लोग सब बाजीगर वाला खेल दिखा रहे हैं। साहब मैं तो कंपनी का ही टी शर्ट पहनता हूँ, कंपनी के ही सॉक्स पहनता हूँ, सब ब्रांडेड पहनता हूँ, ये क्या है? बोले घर में नहीं है दाने, बने नहीं चले बुझाने, केवल दिखाना है बस, और कुछ नहीं, केवल दिखावा मार्केट। बोले ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवे सुखम जीवेत। लोन लेके गाड़ी में घूमेंगे तो क्या हुआ? लोन लेंगे गाड़ी में घूमेंगे ना। कैसी मूर्खता है। इसलिए बाजीगर वाला खेल ये समाप्त हो जाता है जब हमें गुरु मिल जाते हैं। और यहाँ पर हमें ये सारी परंपरा प्रभुपाद जी ने पहले ही बता दिया, भैया पावर हाउस कहाँ है, पोल कौन कौन से हैं, और इवेंचुअली ट्रांसफॉर्मर कहाँ है, आपका सॉकेट किधर है। लेकिन कोई संसार में गुरु, और सब गुरु बनाने के पीछे भागते, कोई गुरु परंपरा को जानता ही नहीं। बोले तार उखड़े पड़े, लट्ठे है ही नहीं, गायब हो गए, ट्रांसफॉर्मर का कोई लेना देने नहीं, बस सॉकेट लगी हुई है, बढ़िया बढ़िया। बिजली आ नहीं रही है, परिवर्तन हो नहीं रहा है। इसलिए यहाँ पर यह सिखाया गया है, एवं परंपरा प्राप्तम, गीता में भगवान ने सिखाया, एवं राज ऋषियो विदु चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में बोले, यह गीता परंपरा से प्राप्त होती है अर्जुन, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण ही ते चतुर्मुखे, कृष्ण होय सेवन मुखे, ब्रह्मा होय सेवन मुखे। बोले ब्रह्मा जी चतुर्मुख ब्रह्मा को, ये कृष्ण भगवान चतुर्मुख ब्रह्मा को सबसे पहले शिक्षा देते, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि,
ब्रह्मा जी के शिष्य नारद जी, और नारद जी के शिष्य वेद व्यास जी, वेद व्यास जी के शिष्य मधु, मधु के पद्मनाभ, नर हरि, माधव, अक्षोभ, जय तीर, जगायन, सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्राह्मण, तिथि, एक के बाद एक शिष्य बनते चले आए हैं। उनके शिष्य व्यास तीर्थ हुए, उनके लक्ष्मीपति, उनके माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के ईश्वरपुरी जी महाराज हुए, माधवेंद्रपुरी के नित्यानंद प्रभु जी भी थे और अद्वैत आचार्य भी थे। उन्हीं ईश्वरपुरी के शिष्य हुए श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए रूप गोस्वामी आदि, और उनके शिष्य हुए रघुनाथ दास और जीव गोस्वामी, उनके शिष्य कृष्णदास, उनके शिष्य नरोत्तम, उनके शिष्य विश्वनाथ, उनके शिष्य जगन्नाथ, उनके शिष्य भक्ति विनोद, उनके शिष्य गौर किशोर, और उनके शिष्य शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, और उनके शिष्य जगत गुरु एसी भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद जी। ये परंपरा है, और इसको कहा जाता है बोले परंपरा जान भाल मते। इस परंपरा को जान लो भैया, जिससे आपको पता चलेगा करंट कहाँ से आ रहा है। एक एक इनमें आचार्यों के चरित्र इतने दुर्लभ हैं कि आश्चर्य होता है कि कितने महान भक्त हैं। इसलिए इन भक्तों को जानना चाहिए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हमें सार रूप में भूमिका का यहाँ वर्णन किया, गीता की महिमा का वर्णन किया, और गुरु परंपरा की महिमा का वर्णन किया, और विशेष रूप से आखिरी श्लोक जिसमें बिल्कुल ऐसी बढ़िया चोट मारा, सब भूल जाओ, एक किताब ले लो और एक भगवान को चुनाव कर लो, इधर उधर गंगा गई गंगा दास, यमुना गई यमुना दास, बिन पैंदे के लुढ़कने लूटा मत बनो, जिधर से हवा आई उधर लुढ़के ऐसे मत बनो, स्थिर हो जाओ भगवान श्री कृष्ण की आराधना में, और एक मंत्र निष्ठा के साथ जपते चलो, जपते चलो, जपते चलो, और निष्ठा के साथ बस जीवन को मृत्यु आए उससे पहले सेवा में सौंप दो, बस बात खत्म। आज भूमिका यहाँ समाप्त होती है। आप सबका धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे से हम चैतन्य शिक्षाष्टकम के हमारे 4 श्लोक बचे हुए हैं, उन 4 श्लोकों को शाम की क्लास में थोड़ा कंटिन्यू कर देंगे। जैसे वो 4 श्लोक खत्म हो जाएंगे फिर हम भगवत गीता आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सभी का, क्षमा कीजिए आज थोड़ा सा समय ज्यादा ले लिए। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।